साइबर कैफे में ये तीन काम बहुत ही ज़्यादा होता है, स्कैन, कॉपी एंड प्रिंट, और प्रिंट में से कलर प्रिंट और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, नॉर्मल और फोटो प्रिंट। तो ये सभी काम को एकदम ध्यान में रखते हुए आपको कौन सा प्रिंटर खरीदना चाहिए, चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट आपको अपना बजट सेट कर लेना है कि इतना प्राइस के अंदर मैं एक प्रिंटर लूँगा, मतलब इतना ही बजट, उसके ज़्यादा मैं प्रिंटर पर नहीं डाल सकता। तो बजट अपना सेट कर लीजिए, और उसके बाद आपको सेट करना है उस प्रिंटर पे आप क्या क्या काम करोगे, तो उस हिसाब से आपको प्रिंटर चूज़ करना है। तो फर्स्ट में एक बजट के हिसाब से आपको प्रिंटर सजेस्ट कर रहा हूँ, 10,000 से 20,000 के अंदर आप एक प्रिंटर अगर लेना चाहते हैं अपने साइबर कैफे के लिए, या फिर आप एक नया साइबर कैफे चला रहे या फिर कोई एग्जिस्टिंग है, अगर आप एप्सन का प्रिंटर लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एक मल्टीफंक्शनल प्रिंटर लीजिए। मल्टीफंक्शनल प्रिंटर मतलब इस पे स्कैन, कॉपी, प्रिंट सभी होगा। तो उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा एप्सन की तरफ से एप्सन का L3260, एकदम हाईली रिकमेंडेड एक प्रिंटर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलता है, इस रेंज में डिस्प्ले देखने को मिलता है, और मतलब परफेक्ट है, सब कुछ काम ये कर सकता है। इसका मंथली ड्यूटी साइकिल भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 20,000 के अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो और भी प्रिंटर्स है लाइक 3250, 3252, ये प्रिंटर भी आप ले सकते हैं, मतलब ये प्रिंटर भी सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन इस पर आपको डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। और अगर आप एप्सन नहीं लेना चाहते, आप कैनन के तरफ जाना चाहते हैं या फिर ब्रदर के तरफ जाना चाहते हैं, तो इधर देखिए एक लिस्ट है सभी प्रिंटर का, मतलब 10 से 20,000 के अंदर आप ये सब प्रिंटर ले सकते हैं। और इसका कुछ स्पेसिफिकेशन, मतलब हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन इधर आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर भी आप देख के ये प्रिंटर्स ले सकते हो। तो कैनन की तरफ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कैनन G4010 ले सकते हैं, क्योंकि मैं G4010 ईयर से, मतलब 2.5 साल से मैं G4010 ही यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ आपको कैनन के हिसाब से। तो और भी एक प्रिंटर है G3020 जो अभी न्यूली मतलब लॉन्च हुआ है, तो ये प्रिंटर भी आप ले सकते हो, मतलब G4010 का ही एक सिमिलर वर्सन है, तो ये भी आप बाय कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया एक डील होगा आपके लिए। अब आते हैं ब्रदर का प्रिंटर्स। अगर ब्रदर के प्रिंटर में बात करूं तो इधर एक नाम आता है DCP-T820DW, बहुत ही बढ़िया एक प्रिंटर है। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आपको ऑटो डुप्लेक्स देखने मिलता है, 17,000 के अंदर आपको ऑटो डुप्लेक्स दे रहा है ये प्रिंटर। ये ऑटो डुप्लेक्स बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है, अगर आप एक मतलब फोटोकॉपी मशीन नहीं ले रहे हो तो ये जो ऑटो डुप्लेक्स है आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि कस्टमर ऐसा आता है कि इधर एक PDF में पेज है, 100 पेज या 50 पेज है, इसको डबल साइड प्रिंट करके देना है। अगर आप नॉर्मल सा कोई भी प्रिंटर पे, मतलब जो 3250 अभी जो बोला हूँ एप्सन का और कैनन का G4010, ये सभी प्रिंटर मतलब मैनुअल डुप्लेक्स है, तो ये ऑटो डुप्लेक्स नहीं है, इसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और मतलब गलत भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं आपको ये प्रिंटर सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रिंटर पे ऑटो डुप्लेक्स है। अब उसके बाद आते हैं जो 21,000 से 45,000 का जो इधर बजट है, उसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप दो प्रिंटर ले सकते हैं, मतलब एक प्रिंटर आप मल्टीफंक्शनल काम कर सकते हैं, मतलब स्कैन, कॉपी और प्रिंट भी नॉर्मल प्रिंट कर सकते हैं, और एक प्रिंटर आप ले सकते हैं सिर्फ फ़ोटो प्रिंट के लिए, मतलब एक स्पेशली फ़ोटो प्रिंट के लिए एक प्रिंटर लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक साइबर कैफे चला रहे हो, मतलब स्टार्टिंग पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगी, इतना मतलब फ़ोटो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कस्टमर का। और अगर आप एक मतलब 4-6 फ़ोटो कस्टमर प्रिंट करने आ रहा है, आप उसको प्रिंट करके नहीं दे सकते, मतलब ये जो प्रिंटर्स है इस पर आप नहीं दे सकते, तो इसकी वजह से सिंगल फंक्शन प्रिंटर मतलब एप्सन के तरफ से जो आता है वो रहना एक बहुत ही ज़रूरी है। इंस्टेंट आप फोटो निकाल के दे सकते हो, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो का भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो इसलिए अगर आप एक सिंगल फंक्शन प्रिंटर लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 10,000 के अंदर आपका बजट है तो आप L1300 लीजिए, अगर आपका बजट 25,000 के अंदर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप L8050 लीजिए, या फिर L805 लीजिए। L805 बहुत ही पुराना मॉडल हो गया, अभी L8050 आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं एक मल्टीफंक्शन प्रिंटर, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एप्सन के तरफ से L4260 और कैनन के तरफ से G6070। बहुत ही बढ़िया दो प्रिंटर है, मतलब 30,000 के अंदर बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है। तो अभी ये 25,000 के अंदर मिल रहा है ये दोनों प्रिंटर, आप अभी बाई कर सकते हैं। तो ये अगर आपने ले लिया और इसके साथ साथ एक मतलब सिंगल फंक्शन प्रिंटर ले लिया तो एकदम आपका काम चल जाएगा। मैं अभी जो मेरा साइबर कैफे में चला रहा हूँ, तो मैं चला रहा हूँ G40 एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर और एप्सन L805 एक फ़ोटो प्रिंट करने के लिए सिर्फ, ठीक है, मतलब उसको एक अलग सेपरेट रखा हूँ सिर्फ सिंगल फंक्शन प्रिंटर। लेकिन मुझे एक फ़ोटोकॉपी मशीन भी चाहिए था,
क्योंकि फोटोकॉपी मशीन आपको भी चाहिए होगा। अगर आपका दुकान थोड़े दिन बाद मतलब चलने लगेगा तो आपको एक फोटोकॉपी मशीन सख्त ज़रूरत होगा। तो फोटोकॉपी मशीन मैं लिया हूँ कियोसेरा का टैक्स अल्फा 2320, ठीक है, ये मॉडल मैंने लिया हूँ। तो अगर आप एक लेज़र प्रिंटर की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कोई बड़ा जेरोक्स मशीन ही लीजिए। मतलब ये भी मशीन बड़ा ही जेरोक्स मशीन है, ये L3260। मैं इसका नीचे का पोर्शन नहीं लिया हूँ तो इसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा ही प्रिंटर लीजिए, मतलब जेरोक्स मशीन जो फोटो कॉपी मशीन होता है आप ऐसे ही लीजिए। जो छोटा जो अभी जो लेजर जेट प्रिंटर अभी मार्केट पे अवेलेबल है 20-25 हज़ार के अंदर, वो प्रिंटर मतलब थोड़े दिन बाद ही ख़राब हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा एरर आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वो सब प्रिंटर मत लीजिए, सिर्फ मल्टी फंक्शन कलर प्रिंटर लीजिए इस बजट के अंदर। लेकिन अब अगर फोटोकॉपी मशीन लेना चाहते हैं, मतलब जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा प्रिंट करोगे या फिर फोटोकॉपी करोगे, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक फोटोकॉपी मशीन लीजिए। और उसके लिए आप अपने नज़दीकी जो फोटोकॉपियर मशीन्स का जो शॉप है, मतलब जो स्टोर वगैरह है, आप वहाँ के जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कौन सा प्रिंटर आपके काम पे पर्पस के लिए सही होगा, आप वो ले सकते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने एक लिस्ट आ रहा है, तो इस लिस्ट के हिसाब से मतलब आपके बजट के हिसाब से आप कौन सा प्रिंटर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन भी कुछ की फीचर्स आपका दिया हुआ है डिस्प्ले पे, उसके हिसाब से आप प्रिंटर ले सकते हैं। इस सभी प्रिंटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स पे है, तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका प्राइस भी चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यही तक था आज का वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।